मसूर की धुली दाल है और उड़द की धुली दाल है। आज हम ये बनाने जा रहे हैं दाल। मैंने डेढ़ डेढ़ कप ले लिया और धोकर इन्हें मैंने रख लिया है। 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था मैंने इसे। ये देखो मैंने एक बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। अब इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखो हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, ये देखो। अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 2 चम्मच प्याज का पेस्ट। थोड़ा सा भूनेंगे। आधी चमची हल्दी, 1 चमची मिर्ची और 1 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भून लेंगे। ये देखो हमारा मसाला भून चुका है, इसमें तरी छोड़ दी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी ये दाल डाल देंगे। अब हम इसमें दाल गलने लायक इसमें पानी डाल देंगे और हम इसमें अपने प्रेशर में 3 सीटी आने के बाद इसको खोल कर देखेंगे। आइए हम अपना प्रेशर कुकर खोल कर देखते हैं। ये देखो हमारी दाल बिल्कुल एकदम बढ़िया हो चुकी है। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देते हैं। देखो हमने अपना तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमने लहसुन काट कर रख लिया था, अब इसमें ये डाल देंगे इसको। अब हम इसमें ये जीरा डाल देंगे और ये हरी मिर्ची हमने काट कर रख दी थी। ये देखो हमारा तड़का तैयार हो चुका है। हमने गैस बंद कर दी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।